ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र होता है। बता दें आपको राशि के अनुसार व्यक्ति स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं इन 5 राशियों की जिन पर शनि देव प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, धन लाभ का योग बन रहा है, सफलता इनके कदम चूमेगी। बता दें आपको यदि आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में कोई बड़ी डील होने से धन लाभ का योग बन रहा है। यदि आप जॉब करते हैं तो बता दें आपको बॉस आपके कार्य की तारीफ कर सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ेगी। बता दें आपको शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है, विधि विधान से, भक्तिभाव से, सच्चे मन से आराधना उपासना करता है, उन पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जी बता दें आपको जो भी भक्त पूजा पाठ करता है शनिदेव की, उन पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उन पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बता दें आपको इन 5 राशियों पर शनिदेव प्रसन्न है जिनके लिए बहुत ज्यादा लाभ हो का योग बन रहा है। जी हाँ, बता दें आपको यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बड़ों से सलाह लेकर, मित्रों से सलाह मशवरा करके आप अपने विवेक के अनुसार, समझ के अनुसार निवेश करें। मेहनत और लगन के साथ कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप किसी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने का योग बन रहा है। बता दें आपको ग्रहों के चाल में परिवर्तन होता रहता है जिससे मनुष्य के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र होता है। बता दें आपको ग्रहों के चाल में परिवर्तन का सीधा प्रभाव इन 12 राशियों पर पड़ता है। तो हम बता दें आपको इन 5 राशियों पर शनिदेव प्रसन्न है, बहुत ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको ये 5 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं। ये 5 भाग्यशाली राशियां हैं मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट 94 जगह से प्राप्त हुई है। तो चलिए फिर से बताते हैं ये 5 भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं। ये 5 भाग्यशाली राशियां हैं मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि और मकर राशि। जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट फ्राइडे स्पेशल रिपोर्ट।